नेक्स्ट कॉलर है कृष्णा, हमारे साथ स्वागत है आपका। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, झांसी गुप्ता कर रहे हैं। ठीक है, सवाल करिए। हाँ, ये उम्र है 64 इयर्स। ठीक है, और कमर से लेकर के पिंडली पंडित तक दर्द और सुनसुनाहट और झुंझुनाहट और चीटे जैसी जो है पूरे उसमें ये है, और नसों का हरा नीलापन नीलापन भी है, और सेकंड थिंग थायराइड भी है जो 10 साल से है पिछले, और ये जो कमर का जो दर्द है ये भी जो है ये 5-6 साल इसको भी हो गए, और साथ में बीपी है, इसके लिए दवा भी ले रहे हैं। और तीन आइटम जो है जी, तीन तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए दो नुस्खे बताता हूँ और बीपी की दवा लेते रहिए। हालांकि मैं तीन नुस्खे बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। देखिए, ये जो आपके कमर से लेके पैर तक की परेशानी है ये गौन स्याह से जा सकती है। गौन स्याह एक काले गौंद को कहते हैं जिसका आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाना होता है, और ये 100-200 ग्राम खरीदने के बाद जब हम इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो इसके ख़त्म होने से पहले ही ऐसे रोग ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर बेशतर। और अब थायराइड पे बात आई, थायराइड का भी एक बहुत अच्छा तजर्बे से गुजरा हुआ इलाज है, जो लोग इसे कर लेते हैं उनका थायराइड की दवाएं भी बेशतर छूट जाती हैं और वो सेहत की ज़िंदगी जी सकते हैं। उनके लिए है कि धनिया 300 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको रॉ मटेरियल ही लेना, कच्ची दवाएं ही लेना, घर में ही पाउडर बनाना और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, वो गोली के साथ जो डॉक्टर थायराइड की देता है, और शाम को भी लें और बाद में लें, पहले लें उस गोली के साथ लें, लेकिन वो गोली छोड़ें नहीं, गोली आपका डॉक्टर छुड़ाएंगे बहुत जल्दी। हर महीने कुछ प्रोटेंसी कम होती जाएगी, थायराइड इतना कंट्रोल होता जाता है, और ये पाउडर जब तक ख़त्म होगा जब तक थायराइड से पीछा छूट सकता है। और ये इलाज कर लें आप दो, तो फिर दोबारा से हमारे हेल्पलाइन नंबर से बीपी का भी इलाज मुमकिन है, वो भी कर सकते हैं जी।